नौजवान समाज सुधार सभा की ओर से विश्व ग्लूकोमा के तहत गणेश विखी की अध्यक्षता में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल अस्पताल के डॉक्टर राकेश डोगरा ने विशेष तौर पर शिरकत की, जिन्होंने अपनी टीम के साथ लोगों की आंखों का चेकअप किया। उन्होंने कहा कि जिनकी आंखों में मोतियां हैं उनके सिविल अस्पताल में फ्री ऑपरेशन किए जाएंगे और साथ में यह भी बताया कि हम किस तरह से अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। कन्वीनियर राष्ट्रीय कल्याणकारी परिषद वालों एक रिक्वेस्ट करांगा, जिन्हें भी इतने पेशेंट आए या जो पेशेंटा नू अटेंड करने वाले नौजवान समाज सुधार सभा राष्ट्र कल्याणकारी परिषद के मैंबरों नू कि एक जिहड़ा असी मुहिम चलाई है आई डोनेशन की, एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी किसी भी कॉस्ट से बाहरों नहीं मिल सकती और इस नू ये साडे जिहड़े पुराने रीति रिवाज आ उहदे मुताबक असी डेड बॉडी के नाल ही जला दिंदे आ, जबकि कपड़े तक असी उतार के मरीज दे, ये जिहड़ी चीज़ कीमती है जिहदे नाल किसी दो बंदे नू अगों आईट साइड मिल सकती है, उहदे लई मैं सब नू अपील करांगा कि अगे आ अपनी डैथ तो बाद अपनी फैमिली नू जिहड़े उहनां दे अगे है उहनां लई विल लिख के जान कि मैं अपनी आईज डोनेट करना चाहुंदा, ताकि उस नाल दो आदमियों नू, एक आदमी दे नाल दो आदमियों नू अखां मिल सकन। ये मेरी हंबल रिक्वेस्ट है कि इत्थे वध तों वध बंदे अगे आउ, अपनी विल, अपनी जिहड़ी विल लिख के जांदे प्रॉपर्टी दी, वो पहले टॉप से लिखन के मेरी अखा ना डोनेट की जा। जो अज भाई साहब कल्याण परिषद परिषद वालों सू सहयोग किया गया कि कैंप बारे लोगों चेक कराइए अखा दी जो भी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब चेक कर, तो ये वास्ते खास करके हिदायत दी गई है कि 50 मरीजों तो ज़्यादा नहीं चेक करे, फिर भी अं कोशिश करा डॉक्टर साहब को प्रार्थना करा कि जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हो सकन चेक कर। जैन जय भारत। असी कैंप मेरे अजीज दोस्त विक्की जी जिहड़े MC ते नाल राष्ट्रीय कल्याणकारी परिषद के सहयोग नाल लगाया। ये बेसिकली साडा इस हफ्ता जिहड़ा ग्लूकोमा वीक चल रहा, काला मोतिया हफ्ता है, तो उहदे लई आपां अवेयरनैस क्रिएट करन लई ते आइडेंटिफाई करन लई कि जिन्हां नूं काला मोतिया हैगा वह मरीज़ सानूं मिलन ताकि असीं उहनां दा इलाज कर सकीए, उहदे लई लगाया। तो काला मोती बारे मैं थोड़ा जिहा इनफॉर्मेशन देना चाहना कि जिहड़ा काला मोतिया है ये बड़ा साइलेंट बीमारी हैगी है, मतलब मरीज़ नूं नॉर्मली पता नहीं लगता कि उहनूं काला मोतिया हैगा जब तक कि उहदी अख दा निगाह चली जाती है परमानेंटली। सर एक्चुअली किन्ने पेशेंट्स हो, किन्ने मैन? असीं ते जनरल चैकअप भी कर रहे हैं हजे ते सारयां दा, ताकि असीं कोशिश करिए कि सानूं कोई काले मोती दा पेशेंट आइडेंटिफाई हो जाए। एक पेशेंट मिलिया भी हैगा सानूं हुणे, ते इस तरह ही है कि असीं वध तों वध एडवाइज ही कर सकते हैं पेशेंट्स नूं कि सानूं 40 साल तों बाद हर बंदे नूं अख दा एक वारी चैकअप साल च जरूर कराना चाहिए, ताकि काला मोतिया मिस ना होए। ऑपरेशन तो हर तरह के होंगे, जोड़ा काला मोती है ना वो एक बार जी निगाह चली जाती है वो वापस नहीं आती, तो फिर ऑपरेशन करके भी निगाह तो उन्नी की जिनी है उन्नी की मेनटेन रहती है, इस करके वो थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता मरीज को, क्योंकि वो फिर रिकवरी नहीं हैगी। तो बाद 40 साल तो बाद ईयरली चैकअप जरूरी है, जे कार्ड बनया तो बिल्कुल ही फ्री है, 5 लाख वाला जो आयुष्मान भारत कार्ड है तो वो फ्री हो जाते सारे ऑपरेशन। बट ये कि ऑपरेशन की नौबत आए ही ना, असं तो वो चाहते हैं कि पहला आइडेंटिफाई हो जाए तो असं कंट्रोल कर लिए। हाँ, हॉस्पिटल तो असं रूटीन च देखते पे हाँ, उत्थे असं सैमीनार भी लगाने ताकि लोगों को अवेयरनैस क्रिएट होए। बट ये कि बेसिकली तो अवेयरनैस है कि अपने आके चैकअप कराओ सारे, ठीक है ना। ताडे वालों भी मैं यही चाहना कि ताडे जिहड़े श्रोता है उन्हां तों अवेयरनैस क्रिएट होए जनरल पॉपूलेशन च कि वध तों वध लोग अपना ईयरली चैकअप जरूर कराउण 40 तों बाद, ताकि आपां मिस ना करिए। राष्ट्रीय कल्याणकारी परिषद एवं नौजवान सुधार सभा चार मरला क्वार्टर एवं हमारे MC गणेश कुमार विक्की जी, इनके सहयोग से निशुल्क आँखों का चेकअप कैंप इनके निवास स्थान MC साहब के लगाया जा रहा है। मेरे साथ परिषद के कन्वीनर श्री सतीश जैन जी भी मौजूद ने और परिषद के बाकी सदस्य भी मौजूद ने। इस कैंप में डॉक्टर रमेश डोगरा आई स्पेशलिस्ट सिविल हॉस्पिटल पठानकोट, जो ये कैंप है विश्व ग्लूकोमा दिवस के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है। इसमें ये वीक विश्व ग्लूकोमा दिवस जो वीक है हफ्ता मनाया जा रहा है, सारे विश्व में मनाया जाता है, और इसी के तहत आज जो कैंप का आयोजन है किया जा रहा है। ये कैंप
श्री गणेश बिक्की जी एमसी चार मरला क्वार्टर एवं परिषद कन्वीनर श्री जैन की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस कैंप में परिषद की तरफ से निशुल्क मरीजों को दवाइयां भी दी जा रही हैं और इसके बाद जो भी ऑपरेशन होंगे आँखों के सिविल हॉस्पिटल पठानकोट में निःशुल्क किए जाएंगे। और इस मौके पर जो हमारा विशेष सहयोग जिन्होंने दिया है इस कैंप में नौजवान सुधार सभा चार मरला क्वार्टर उन्होंने दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और सारी टीम का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आज नौजवान समाज सुधार सभा चार मरला क्वार्टर रामनगर और राष्ट्रीय कल्याण सेवा ने एक साथ मिलकर जड़ा आज मेरे निवास स्थान पर आइज क्रैम जो है गरीबा लिए निःशुल्क लगाया है जिस दे विच पूरा अवार्ड जो है कंटिन्यूज आ रहा है और काफ़ी जड़े है मरीज जड़े अज तक देखे जा चुके हैं और गवर्नमेंट वालों डॉक्टर जड़े है रमेश जी आई स्पैशलिस्ट ने स्पैशल तौर पर इतने पहुँचे ने और निःशुल्क दवाइया दे रहे हैं और जिन्हों जरूरत है ऑपरेशन की उन्होंने टाइमिंग दे के सिविल हॉस्पिटल उन्होंने फ्री जोड़ा ऑपरेट भी किया जाएगा। मैं नौजवान सुधार सभा के चेयरमैन श्री प्रीतम दास जी प्रधान उजागर जी कैशियर अमरीक सिंह जी लक्की जी सारी टीम इन्हों का बहुत शुक्रिया अदा करता हाँ इस करके कि 35-40 साल तो नौजवान समाज सुधार सभा जो है पठानकोट लिए काम कर रही है। पिछे करोना का काल गया उस दे विच भी कम से कम 50,000 रुपये तक जिहड़ी मत जिहड़ा लंगर असी रोज़ प्रोवाइड किए इस सभा वालों आई हर गरीब लड़की के विआह विच इस सभा वालों मत जाती है। जो भी सीजन चेंज हुंदा सर्दियों का मौसम आता है गरीबों को कोटियां वंडियां जांदियां है गरीब बच्चियों के विआह कराए जाते हैं बहुत सारे ऐसे जिहड़े प्रोग्राम ने साडी सुधार सभा करदी है और मैं भी इसका एक मैंबर हाँ और 30-35 साल तो उन्हें जाऊदा होस बाली उन्होंने चल रहा हाँ बड़ा आशीर्वाद हमेशा मेरे नाल इन्हां दा रहिंदा है और मैं राष्ट्रीय कल्याण सभा इन्हें जिहड़ी सारी टीम आई है डॉक्टर साहब और जिन्हें भी सुधार सभा के मैंबर ने सबना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदा अपने काम इस तरह जारी रखन और मैं हर वेले इन्हां नाल बांह नाल बांह मिला के खड़ा रहांगा जी। सर जो कैंप है ये आज ही लगाया है या मतलब कितने डेज को ये सिलेक्ट किए हुए आपने? नहीं ऐसे है जी जो इस तो पहला MLA श्री अमित विज की बदौलत मैं ब्रह्माशाल दे विच और चार महल विच लास्ट ईयर काफ़ी कम जेड़े लगवा चुका हाँ हूँ बिच इलैक्शन विच 2 महीने बिजी रहे हैं उस तो बाद समाज सुधार सभा जिस तरह राष्ट्रीय कल्याण सभा नौजवान सुधार सभा है और साढ़े MLA और कांग्रेस वालों कंटिन्यूज यहोजी जी जन सहूलत ने किसी भी प्रकार दी असं जारी रखा। कितने मैंबर है किस चीज़ के? हाँ आईज के देखिए जी 7 जो है मैं 70 जो है हमने अभी जो पहुंच चुके हैं जहाँ पे और डॉक्टर साहब जब तक उनको टाइमिंग पूरी होगी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आंखों का इलाज या दिखाने के लिए आए हैं उनको प्रॉपर सभी को दिखाया जाए डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और जो राष्ट्रीय कल्याण और सुधार सभा इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी की मरीजों को देख कर जाए। नहीं प्लीज़ अभी ना जो है चेकअप ही हो रहा है इनका जो कि 200 रुपया डॉक्टर की प्राइवेट जाए तो फीस होती है वो बिल्कुल निशुल्क है और उसके साथ साथ जो कुछ आइस ड्रॉप्स है वो भी फ्री दिए जा रहे हैं और जिनको इसके बाद इनके जो टेस्ट वगैरह होने होते हैं क्योंकि ऑपरेट सीधा नहीं किया जा सकता इनको टेस्ट के लिए डॉक्टर साहब किसी को डायबिटीज़ या कुछ है उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता उनको लिख कर देंगे फिर उनको टाइमिंग देंगे और सिविल हॉस्पिटल में उनका बिल्कुल फ्री